विष्णु भैया, अरे विष्णु, अरे शर्मा जी, अरे जल्दी आओ, चोर, अरे भैया क्या हुआ, कहाँ है चोर, शर्मा जी, अरे चोर, चोर के जल्दी आओ, चोर, चोर के पकड़ो, चोर, अरे ये जा रहा है, पकड़ो, अरे इसको पकड़ो, अरे चोर, अरे बिल्लो रानी, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे चोर, चोर, मैं कहता हूँ कैसा सो रहे हैं, अरे क्यों चोर चोर चिल्ला रहे हो भैया, हमने पकड़ा है इन चोरों को, हमने देखा चोरी करती हुई, हमने बहुत बहादुरी के साथ, क्या हुआ बंटू जी, और हाँ बिल्लो रानी, हमने बहुत बहादुरी के साथ इनको पकड़ा हुआ है, ये लोग चोरी कर रहे थे, भागने कोशिश कर रहे थे, अब पकड़े गए। देखो कुक्कन जब्बू, लोफराई तक तो ठीक था, अब तुम ये काम भी करने लगे हो, बहुत गलत बात है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना नीचे कर सकते हैं लोग। कुक्कन के करेक्टर में इतनी गिरावट दर्ज नहीं हुई अभी तक, समझे किसी के घर में जाके चोरी करेंगे। गुड्डू भैया गायब हुए थे तो हम लोग उसी के बारे में परेशान थे, तो हम चले आए देखने के लिए कि कहीं गुड्डू भैया को ये लोग तो किडनैप करके नहीं रखे हैं। और हाँ, हम लोग चोरी वोरी करने नहीं आए थे, सिर्फ अपना डाउट क्लियर करने आए थे, और जब हम यहाँ पहुंचे तो मामला कुछ और ही था। ये पांडे लोग रुंझुन मिश्रा को ऊपर कमरा में कैद किए हैं। उसके पैर में डाल रखी हैं बेड़ियां। और जब ये लोग अपनी सगी भांजी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो गुड्डू भैया के साथ काहे नहीं। हम नहीं मानते बिना सर पैर की बातें। यार तुम्हें बिना ये सर पैर की बात लग रही है? जब तुम्हें अब दिखाएं तब अपने आंखों से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि 24 कैरेट सच बात है ये। हाँ दिखाओ, चलो चलो। चुप थाला, हम पर फालतू की दफा लगाने से पहले सोच लो अच्छी तरह। साला मान हानि का ना ऐसा दावा ठोकेंगे ना तुम पर, सारी जिंदगी हवा हो जाएगी अदालत के चक्कर काटते काटते, समझे? इसीलिए कहते हैं ना कि चल करके एक बार देख लो, सच अपने आप सामने आ जाएगा ना। एक मिनट, देखो इन लोफरों की बात पे कोई ध्यान मत दो, ये तो है ही ऐसे। ऐसे किसी के घर में घुसना अच्छी बात है क्या? बताइए। हमें पता है आप लोग सच्चे हैं, फिर डर काहे का, और हम लोग कुछ ले थोड़ी रह लेंगे कुछ। चलो चल के देखते हैं। चलो चल के देखते हैं। चलो चल के देखते हैं। चलो रुको रुको, हम चला गए ना, सांच को आज कहेगा। चलो हम खुद ही खोल देते हैं, दिखा दे। मिट्टी जी अब तो हीरोइन ना फरफराई की रोई है, उनका पानी के साथ सारा पांडे निवास का इज्जत भी सत्यानाश हो जाए। कुछ जगत बढ़ाओ। चलो चलो ये चलिए, देखिए चल के चलिए चलिए पांडे। हाँ देख लो, आइए ये देखिए सच का लाइव टेलीकास्ट, कैसा ये पांडे लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे। आइए नीचे कर सकते हैं लोग। ये सब का है, बाहर से उजला उजला, अंदर इतना काला। ये लोग तो अपने खानदान के साथ साथ पूरे मोहल्ले का नाक कटा दिए। राम 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 राम,
जमाना है, खरा खरा करो और खोटा खोटा सुनो। तो और नहीं तो का? ऐसे किसी के घर में घुसना अच्छी बात है का? हाँ, तो? वो तो सब ठीक है, पर हमें एक बार रुंजुन के मुंह से सुन ले तब भी हमें यकीन हो कि तुम लोगों की नीयत में कोई खोट नहीं है। रुंझुन बिटिया सब कुछ सच सच बता दो ना। हाँ बताओ बताओ। देखो सब पूछ रहे हैं तो बता ही दो। देखो अगर तुमने मुंह से ना हीरोइन सच फूटा ना तुम्हारी अम्मा को जहर दे दिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमको अपना आजादी चाहिए या अम्मा की जिंदगी। अरे बिटिया हम कितना समझा रहे हैं, बोल दो बिटिया। बताओ ना, बता दो। मामी सही कह रही है, हम मर जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ गए। धीरज रखो बिटिया। सुन लिया आप लोगों ने, हो गई सबकी तसल्ली, मिल गया आप लोगों को सबूत, तो फिर खड़े गए, चलो यहाँ से चलो। जाना। अरे चलो चलो, अरे जा रहे हैं ना, बड़े आए, चलो चलो जा, जा। अरा सुनो तुम दोनों, अगर आइंदा पांडे निवास में घुसने की हिमाकत की ना तुम दोनों ने, ऐसा इल्जाम लगा के अंदर कराएंगे ना, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को कि तुम्हारी गलती क्या थी और सजा किस बात की मिली है। चलो निकलो निकलो। जब हम बहुत कंफ्यूज में हैं यार, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये भैया को किसने अगवा किया, जब पांडे ने नहीं किया तो अगवा किया किसने किया। यार यही बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं भैया मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ गायब हो गए। सुने लता शुक्ला, आप अंदर नहीं जा सकते। हम कितने बदनसीब हैं, साला 10 सालों बाद अपनी माँ को देखा तो भी किस हालत में। पर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपनी जान दे देंगे, पर हम गुड्डू शुक्ला अपनी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। कि वो तो है हमारा अपने आप से।
चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, तब तक आपके पिताजी उसका इंतजाम भी कर लेंगे। भैया काहे मुंह बांधे खड़े हो? जैसे हम कोई सपना देखे थे गुड्डू, सब लोग यही कहते रहे भूल जाओ गुड्डू को, लेकिन हमारा विश्वास था एक ना एक दिन गुड्डू अपनी अम्मा से मिलने जरूर आएगा। आज हमारी मनोती पूरी हो गई, मेरा राजा बाबू तुमको अपनी अम्मा की जरा भी याद नहीं आई? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं, हमारा बहुत मन करता था तुमसे मिलने के लिए, बहुत, लेकिन अब हम रोक लेते थे खुद को। रात दिन ऐसा जागत रहे कि हमारा गुड्डू एक ना एक दिन आवत रहे, लेकिन हमको मालूम हमारा गुड्डू इतना जिद्दी बचे। बिटवा अब तो तुम नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? नहीं अम्मा, अब हमको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। जाना भी मत बेटा, नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे अम्मा। मेरा बाबू, लो खोल तो दिया, जाओ उड़े उड़ो। हाय हाय बुझाने, अब आना बंद करो, अब तुम ना एकदम में आजाद हो, लेकिन तुम्हारी जबान ना ही, अपनी जबान खोलियो ना तो घटना ना ही दुर्घटना ही चाहिए, तो बिल्कुल सही करिए मिट्टू चिच्ची, कहे कि अम्मा अब हमारे कब्जे में है। अबे तुम्हारी जो अम्मा है ना
बहुत तड़फराए रही थी। बिल्कुल हाँ, ऐसा बूटी का खट्टी पिलाए है ना कि घट घट घटक के बुढ़िया मुरझाई गई है, मुरझ पड़ी है तुम्हारी अम्मा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है हीरोइन, कि उनका नीचे का है कि छुराई का है। अगर हमारी बात मानी तो अम्मा ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा चलावटी दिख रही हो और हमारी बात न मानियो ना तो तुम्हारी अम्मा को ना हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा ही देंगे, छुट्टी का घट्टी पिला देंगे तुम्हारी अम्मा को। नहीं नहीं मामी, हमारी अम्मा को कुछ मत कीजिएगा, कोनो तकलीफ ना दीजिए उनको, हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं। और नहीं तो का अम्मा के बारे में किसी से कुछ ना कहोगी तुम? आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। की हुई ना बात बोझा रानी है? अरे तुम अपनी अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। ते एक ख्याल और रखियो कि अब से ना अम्मा के कमरे में आइयो जइयो नहीं, अम्मा से मिलना जुलना बंद, समझी? ऐसा ना बोलिए मामी, ऐसा ना बोलिए, अम्मा को देखे बिना हम कैसे रहेंगे? ये हीरोइन ज्यादा ना अम्मा प्रेम ना ही दिखा, समझी? ना ही तो अगर हमारा दिमाग घूमा ना तो तुम्हारी अम्मा का टटुआ दबाई देंगे, फिर सपना में भी अपनी अम्मा से ना ही मिल पाई हो। ठीक है मामी, अगर हमारे ना मिलने से अम्मा ठीक रहेंगे तो अम्मा से नहीं मिलेंगे। पता ही नहीं चले अम्मा कब आंख लग गई। कमाल, तुम भी सोचते होगी कि या हम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए थे और खुद ही सो गए। लेकिन बिटवा, तुमको कैसे पता चला कि हम अस्पताल में हैं? तुम्हें क्या लगता है अम्मा, तुम गांव में तो हमको कुछ मालूम नहीं होगा? तुम्हारी सारी खबर रखते हैं, तुम क्या क्या करती हो, और मजा लो तुम्हें कुछ और हमको मालूम ना हो, फट से आ जाएंगे अगर तुम कुछ होगा तो। आ गए ना देखो एकदम। तू सही सही बता, तू कभी नहीं लौटेगा अपनी माँ के पास? पुरानी बातों को भुला दे गुड्डू बेटा। काहे ना अम्मा, पुरानी बातों का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हमरा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है? ऐसे बात नहीं है अम्मा, लेकिन क्या करें, मर्जी कोशिश कर ले, अतीत को चाह कभी नहीं भुला सकते। चलो अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपना ध्यान रखो। कहे ना 11 बजे डॉक्टर आएंगे, तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ लेकिन बेटा, तुमने तो हमसे कहा था तुम हमको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। काश हम अपना वादा निभा सकते अम्मा। बोलो ना बेटा, चुप क्यों हो बेटा, बोलो ना। क्या बोले अम्मा तुमको, ऐसे सवाल का जवाब हमारे पास ही नहीं है, तो तुम्हें क्या बता। कभी कभी सोचते हैं कि काश हम अपने बीते हुए कल को बदल पाते, पर सच तो ये है कि एक बार जो हो जाता है वो हो ही जाता है, इसे कोई नहीं बदल सकता अम्मा, कोई नहीं।